नमस्ते, मैं हूँ रेणुका। तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको और एक बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ। तो आपने दूध से बने पनीर की ग्रेवी तो बहुत बार खाई होगी और पनीर के ऐसे बहुत सारी रेसिपीज खाई होंगी जो पनीर दूध से बना होता है, मगर आज मैं आपको चावल से बहुत ही इजी तरीके से पनीर बना के दिखाने वाली हूँ और उस पनीर से मैं आपको पनीर ग्रेवी रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ जो बिल्कुल ही पनीर का स्वाद देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये चावल से बने पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप पुराना चावल लिया है, तो मैं इससे पनीर बनाने वाली हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ 1 अदरक का पीस लिया है और यहाँ मैंने 2 लहसुन लिए हैं और स्वाद अनुसार यहाँ मैंने हरी मिर्च ली है और 2 यहाँ मैंने आलू लिए है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ दोनों आलू के छिलके निकाल के उन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और अदरक को भी मैंने यहाँ छील लिया है और लहसुन की कलियाँ मैंने यहाँ छील ली है। फिर उसके बाद अभी हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बॉईल करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ एक बर्तन रख दिया है। तो सबसे पहले हमें इसमें ये चावल डालने हैं, तो मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ ही बॉईल करने वाली हूँ। फिर उसके बाद हमें इसमें आलू डालने हैं, फिर हमें इसमें टमाटर डालने हैं। तो हमें इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं, तो यहाँ मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। फिर उसके बाद हमें इसमें 1 गिलास पानी डालना है और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें एक भाप आने तक पका लेना है। तो अभी यहाँ एक भाप आ चुकी है और ये सारे इंग्रेडिएंट्स अभी बॉईल हो चुके हैं। फिर उसके बाद अभी हमें इसमें से टमाटो, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को निकाल देना है। फिर उसके बाद अभी हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स की ग्रेवी बनानी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ एक मिक्सर का बर्तन लिया है। तो सबसे पहले हमें इसमें टमाटो डालने हैं, फिर हमें इसमें लहसुन और अदरक डालना है, फिर उसके बाद हमें इसमें सारी हरी मिर्च डाल देनी है और इन सारे इंग्रेडिएंट्स का हमें एकदम बारीक पेस्ट बनाना है। तो यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स का एकदम बारीक पेस्ट बना लिया है। फिर उसके बाद हमें दूसरा एक मिक्सर का बर्तन लेना है और उसमें हमें सारे बॉईल किए हुए चावल डालने हैं। फिर उसके बाद हमें इसमें सारे बॉईल किए हुए आलू डालने हैं। फिर हमें इसमें 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना है, तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर की जगह अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। फिर हमें इसमें 2 कप पानी डालना है और इन सारे इंग्रेडिएंट्स का हमें एकदम बारीक पेस्ट बनाना है। तो यहाँ मैंने इन सारे इंग्रेडिएंट्स का एकदम बारीक पेस्ट बना लिया है। फिर उसके बाद हमें एक प्लेट लेनी है और उसे हमें अच्छी तरह से तेल लगा देना है और उसमें हमें ये सारी चावल के पेस्ट डाल देनी है। तो हमें इस प्लेट के ऊपर ये सारी चावल की पेस्ट अच्छी तरह से फैला देनी है। तो यहाँ मैंने इस प्लेट के ऊपर सारी चावल की पेस्ट अच्छी तरह से डाल दी है। फिर उसके बाद अभी हमें इन्हें स्टीम करना है। तो हमें इस चावल की पेस्ट को 10 मिनट के लिए स्टीम करना है। तो अभी 10 मिनट हो चुके हैं और ये चावल की पेस्ट अभी अच्छी तरह से स्टीम हो चुकी है, अंदर तक अच्छी तरह से पक चुके हैं। फिर उसके बाद अभी हमें इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। तो यह अभी ये चावल की पेस्ट अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। फिर उसके बाद हमें चाकू लेना है और इसके हमें छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं। तो आप अपने हिसाब से इसके पीसेस कट कर सकते हो। तो अभी यह चावल का पनीर बनके तैयार हो चुका है, तो आपको इसी तरह से इसके सारे पीसेस कट करने हैं।
तो यहाँ मैंने इस पनीर के सारे पीसेस कट कर लिए हैं। फिर उसके बाद अभी हमें इसकी ग्रेवी बनानी है, तो उसके लिए मैंने गैस पे बर्तन रख दिया है। तो सबसे पहले हमें इसमें 4 चम्मच तेल डालना है। फिर तेल गर्म होने के बाद हमें इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालना है। फिर जीरा फ्राई होने के बाद हमें इसमें मसाले डालने हैं। तो मैंने यहाँ 6 लौंग ली है, 5 काली मिर्च ली है और यहाँ मैंने 4 दालचीनी के पीसेस लिए हैं। फिर हमें इसमें 4 तेज़पत्ता डालने हैं और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। फिर उसके बाद हमें इसमें 1 बारीक कट किया हुआ प्याज डालना है और इसे भी हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो अभी यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। फिर हमें इसमें बारीक की हुई सारी ग्रेवी डालनी है। फिर उसके बाद हमें इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालनी है। फिर उसके बाद हमें इसमें 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालना है। फिर उसके बाद हमें इसमें स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर डालनी है। तो हमें इसमें लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली हुई है। फिर उसके बाद अभी हमें इस ग्रेवी को 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है। फिर उसके बाद हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। फिर उसके बाद हमें इसमें कट किए हुए सारे चावल आटे के पनीर डालने हैं। फिर आखिर में हमें इसमें 1/2 कप बारीक कट की हुई हरी धनिया डालनी है और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर हमें इसमें 1/2 कप पानी डालना है। तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हो कि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। फिर उसके बाद अभी हमें इसे 2 मिनट तक पका लेना है। तो अभी यह ये ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप ऐसे ही आसानी से घर में चावल के पनीर बना के उसे पनीर ग्रेवी बना सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।